हाँ जी, तो वेलकम है आपका अपने चैनल सावन डिजिटल ज्ञान में। तो दोस्तों, मेरा नाम है सावन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं बात करूँगा कंसिस्टेंसी की। दोस्तों, कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी की लाइफ में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, राइट। अगर हम लाइफ में कुछ भी बनते हैं या फिर हम कुछ भी चीज़ें अचीव करते हैं, राइट, तो उसमें कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है, राइट। तो दोस्तों, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में चल के आपको बताने वाला हूँ। तो आई एम श्योर दोस्तों कि आप सभी लोग, बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे लोग जॉब प्रिपरेशन कर रहे होंगे कि जॉब पाने के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब हो, राइट, या फिर आप फर्दर स्टडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, आई एम श्योर कि आप सभी ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक बंदे ने टॉप कर दिया, राइट, अगर मैं एक बिल्डिंग में रह रहा हूँ, मेरे एक बगल वाले लड़के ने टॉप कर दिया, तो बहुत सारे लोग उसको क्या बोलते हैं कि यार, वो तो टैलेंटेड था, उसके पास टैलेंट है। बट एक्चुअल में उसका बिहाइंड द सीन क्या होता है, बिहाइंड द सीन उसको क्या पता है जिसने टॉप किया है, एक्चुअलिटी उसको पता होती, राइट। तो दोस्तों, आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि टैलेंट वगैरह कुछ नहीं होता। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है, आप उसमें 21 डेज या फिर 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 6 महीने तक आप उसमें कंसिस्टेंटली आप उस पर काम करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, और उस पर ग्रेजुअली आप उसमें मास्टर हो जाते हो, राइट। आप इतने मास्टर हो जाते हो कि आपको कोई भी जो ओपोनेंट है आपका, उसको आपको डिफीट नहीं, मतलब कि हरा नहीं सकता है। तो जब भी आप 6 महीने बाद जब उसमें आपके आपकी एक्सपर्टीज़ आएगी, तो लोग क्या बोलेंगे कि यार, उसका उसका टैलेंट है। बट आपको पता है कि आपने उसमें कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, आपने 0 से एक नेक्स्ट लेवल तक आप उसको ले जाने में आपने कितनी कंसिस्टेंटली काम किया, उस पर कितना ज़्यादा काम किया, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आप कुछ भी कर रहे हो, राइट, अगर आप जॉब पाना चाहते हैं, एक अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब पाना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, राइट, तो दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ आपको जो है नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है, या फिर आपको सक्सेस के रास्ते पे ले जा सकती है, राइट। दोस्तों, वो है कंसिस्टेंसी। आप किसी एक चीज़ पे लगे रहिए। अगर आपका फोकस है कि यार, मुझे एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्टअप करना है, मुझे एक अच्छे से IT कंपनी स्टार्ट करनी है, तो दोस्तों, आपको पूरी तरह से फोकस रहना होगा और अपने कंसिस्टेंटली, चाहे आप दिन पे 1 घंटे ही काम करो, 1 घंटे ही उस बिजनेस के लिए अपना आइडियाज़ जनरेट करो, या फिर उसके लिए आप बहुत सारे जो भी चीज़ें हैं बिजनेस से रिलेटेड, चाहे आप दिन के 1 घंटे ही करो, बट दोस्तों, आपको कंसिस्टेंटली आपको कुछ सालों तक, कुछ महीने तक उस पर काम करना पड़ेगा, राइट। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, तो आप मतलब कोई चांस नहीं है कि आप उसमें मतलब कि सक्सेस हो जाए, राइट। सेम यही चीज़ें हर उसमें इम्प्लीमेंट होती है। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब की, स्टडी कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, कंसिस्टेंसी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, मेरा एक यही मैसेज होगा कि आप कंसिस्टेंट रहें किसी भी चीज़ पर, किसी भी एक चीज़ पर। आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आप एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, एक अधिकारी लेवल की जॉब, UPSC, MPPSC, या फिर रेलवे की अच्छी सी जॉब, किसी भी प्रकार की जॉब पाना चाहते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है, वो है कंसिस्टेंसी। दोस्तों, पर्सनली मैंने इसको फील किया है, मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है। कुछ चीज़ें जो मुझे मतलब कि होल्ड करके रखती थी, मैंने उसमें वहाँ पे कंसिस्टेंसी रखी, कंसिस्टेंसी का जो ये फार्मूला है इम्प्लीमेंट किया, और मुझे आफ्टर सम डेज मुझे वहाँ पे कुछ ओवरकम हुआ, मेरा वो फियर ओवरकम हुआ, मुझे वो चीज़ें नहीं आती थी, तो मैं उसमें कुछ एक्सपर्टीज़ रखने लगा, राइट। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों, जिस दिन आप कंसिस्टेंटली किसी चीज़ पे काम करना स्टार्ट कर दोगे, तो लोग आपको टैलेंटेड बोलने लगेंगे, राइट। बट बिहाइंड द सीन आपको पता है कि आपने उस चीज़ को पाने के लिए कितने कंसिस्टेंटली आप उसमें काम किए हो। तो आई होप दोस्तों, आपको ये मैसेज, इस कंसिस्टेंसी का जो जो इम्पोर्टेंस है, आपको पता चल गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, जिनको भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, या फिर जो भी अपने लाइफ में स्टक है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, हो सकता है कि उनको कुछ हेल्प हो जाए। तो बाकी इस चैनल के साथ क्या करना है, बाकी वो आप देख लो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।